बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। हेलो हाय नमस्ते यारों, आप सब कैसे हो। दोस्तों आपको तो पहले से ही पता चल ही गया होगा कि आज के इस ब्लॉग में हम क्या करने वाले हैं। मैं फिर भी बताता हूँ कि आज इस ब्लॉग में अपना मैं सेटअप दिखाने वाला हूँ, यानी कि सेटअप टूर कराने वाला हूँ आप सभी को। जो मैं टेक्निकल वीडियो शूट करता हूँ वो आपको सेटअप दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगी, बट आप इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा बहुत तो मोटिवेट होंगे ही होंगे। प्लीज वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, और आपको मेरा सेटअप अच्छा लगा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब दोस्तों ये रहा मेरा पूरा सेटअप, जैसे कि मैं आपको एक एक चीज करके दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि पूरा तरह से तो कुछ इस तरह से मेरा सेटअप लगता है, लेकिन मैं आपको दरवाजे की तरफ से दिखाता हूँ। ये रहा मेरे रूम का दरवाजा, ऊपर एक लाइट है जो कि यहाँ पे देख सकते हो, एंड यहाँ पे मैं दो लाइट लगाया हूँ, एंड यहाँ पे एक मिलर है दरवाजा के ऊपर, और एक बहुत ही पुराना बैग है जिसके अंदर बहुत सभी बिल वगैरह पड़े हुए हैं, वारंटी कार्ड जो पड़े हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा है छोटा वोटा, एंड यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड है जिसके अंदर मैं टॉपिक वगैरह लिखता हूँ ताकि मुझे याद रहे, एंड यहाँ पे मेरा एक बैटरी है, और देख सकते हो पूरा कनेक्शन कुछ इस तरह से है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक इन्वर्टर है, टिप्लाइजर है, एंड एक कीपैड है जो कि मेरे टैबलेट का, और यहाँ पे मेन कनेक्शन बोर्ड का है जो कि यहाँ पे एक प्रिंटर मेरे पास है, उसके अंदर एक नॉमिनेशन मशीन है, यहाँ पे कार्टेज है, एंड हम लोग को यहाँ पे मेरा हेलमेट है, यहाँ पे मोटर आप देख रहे हैं जो कि डीसी 12 वोल्ट की है, हाई एम्पियर की है, इसका बहुत अच्छा हवा लगता है जो कि अपना दिमाग ख़राब नहीं होता है काम करते समय, और यहाँ पे कुछ फूल वगैरह हैं जो कि डिजाइन बनाए गए हैं, और ऊपर के साइड में भी कुछ आपको दिखने को मिल जा रहा है जो कि कचरा टाइप का लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है दिखने में। लेकिन ऊपर के साइड में कुछ डब्बे हैं जो कि वारंटी कार्ड के हैं, जितने सभी डब्बे आपको दिख रहे हैं ना सब वारंटी कार्ड के हैं, तो रखा हूँ मैं अच्छे से। और यहाँ पे देखेंगे तो मेरा एक कंप्यूटर है जो कि अभी भी चालू है, थोड़ी देर पहले काम कर रहा था, और यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस का है। मैं आपको प्राइस बताऊँ तो मेरा एक कंप्यूटर लगभग 10-15 हज़ार का सिर्फ है, और ये प्रिंटर तो लगभग आपको पता ही होगा 18 हज़ार के आसपास मैं परचेज किया था, और लेमिनेशन मशीन 2500 के आसपास परचेज किया था, और मैं इन्वर्टर और इस बैटरी को लेकर टोटल 25 हज़ार में मैं परचेज किया था। उसके अलावा ये जो सेटअप है तो इसका तो पूरा वीडियो मेरे चैनल पर है ही पहले से, टेक्निकल वीडियो पर, और वहाँ पर दो सेल्फी स्टिक है और एक मेरा फोटो है जो कि हम लोग घूमने गए थे, तो यहाँ पर बहुत सारे मेरे दोस्त हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाता है। एक यहाँ पे टेडी बेयर है, एक बूफर है, यहाँ पे अपने देश का शान है जो कि तिरंगा, एंड और कुछ ज़्यादा नहीं है। और अब मैं आपको ये चीज़ बताना भूल ही गया कि मेरा रहा कैमरा जो कि मैं इसी कैमरे से वीडियो शूट करता हूँ जो कि सोनी कंपनी का है, और ये LED है जो कि कभी कभी ब्राइटनेस कम आता है तो इसको जलाने में काम आता है। ये रहा ट्रिपॉड, और ये रहा कुर्सी हम लोग का, ये टेबल है, और मेरा ये रहा जो कि मैं अभी इस पे वीडियो शूट करता हूँ इसके ऊपर धाके, ताकि हम लोग का जो फ़ोन है वो अच्छा से दिख सके। और यहाँ पे दो डब्बा है जो कि पानी वगैरह पीने के लिए रखा हूँ, एंड यहाँ और यहाँ पे भी कुछ चार्जर पड़े हुए हैं, बैटरी है, एंड यहाँ पे और यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा नहीं है, एक चश्मा है, दवाई वगैरह है जो कि ऊपर की मेरा रखा गया है, और यहाँ पे भी मैं एक लाइट लगा के रखा हूँ। और इस साइड की बात करें तो यहाँ पे एक बेड है, एंड इस सर के साइड बात करें तो एक अलमारी है ऊपर के साइड में, जो एक LG का मोनिटर है, और एक मेरा बॉक्स है जो कि उस प्रोडक्ट का, तो ये मेरा और ये मेरा फर्स्ट स्पॉन्सर है इसलिए मैं इसको रखा हूँ। इसके अंदर रोड मीटर है, और ये मेरा बोर्ड का कनेक्शन जो कि चार्जिंग वगैरह के लिए काम आता है, और यहाँ पे कुछ मेरे जो कैमरे का बैग है, छाता है एक, और त्रिपोड का बैग है, और यहाँ पे की वगैरह है,
और इधर देखेंगे और इधर ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक खास चीज दिखाना चाहूंगा जो कि मेरे फैमिली के बारे में तो आप लोग नहीं जानते होंगे। एंड सोशल मीडिया पर भी उसका फोटो नहीं है, बट यहाँ पे देख सकते हैं मेरे मम्मी पापा एंड मैं, मेरे दादाजी, मेरे आजी यहाँ पे दिख रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे हैं, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है। तो थोड़े ही दिन में इनका फोटो मैं पोस्ट करूंगा क्योंकि अच्छा फोटो थे। और यहाँ पे एक बैग है जो कि मैं कहीं आता जाता हूँ तो उसको लेकर इस्तेमाल करता हूँ, और ज्यादा कुछ तो मेरे सेटअप में नहीं है। और नीचे के साइड में देखें, और नीचे के साइड में भी ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको ऊपर दिखाना भूल गया, यहाँ पे एक बल्ब लगाया है जो कि हम लोग का ग्लोमर देता है, चेहरे पे ग्लोमर ला देता है। वहाँ पे एक प्रेस पड़ा हुआ है, एंड जो एक्सपेरिमेंट का वीडियो मैं शूट कर रहा था उस समय इस सामान को इस्तेमाल कर रहा था, उस पर टोटल सामान फेंका हुआ है, पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा है। और वो बॉक्स रहा जो कि कुछ मेरे प्रिंटर का एक है, एक यहाँ पे आरओ का है, एंड और वहाँ पे बहुत सारे बॉक्स हैं, उसके अंदर भी बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। इस ऊपर बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट वीडियो का जो सामान है सब पड़ा हुआ है। और नीचे के साइड में आप देखेंगे यहाँ पे तो कुछ टूल वगैरह है जो कि एक्सपेरिमेंट वीडियो के लिए मैं इसको इस्तेमाल करता था। यहाँ पे भी कुछ वगैरह टूल ही वगैरह है जो कि वायर का, जो कि वायरिंग से रिलेटेड है, और एक बोर्ड है, और ज्यादा कुछ नहीं है। और इनके अंडर ड्रो के अंदर कुछ कागज वगैरह रखे हुए हैं जो कि मेरे दुकान से रिलेटेड है। पहले दुकान था मेरा जो कि स्टूडियो का, तो उसमें एक प्रिंटर बेच दिया हूँ, और यहाँ पे कुछ रखा हुआ अभी तक जो कि काम आता है। और इसके अंदर और इसमें झालर रखा हूँ जो कि बहुत ज्यादा झालर है, और एक डब्बा है उसके अंदर, और केबल वगैरह है। और इस ड्रो को मैं नहीं खोलना चाहूंगा। और यहाँ पे भी कुछ है जो कि मैं टोटल डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखता हूँ। और जो मेरा माइक है गोया का, वो खराब हो चुका है तो इसके लिए यहाँ पे फेंका हुआ है। और इस ड्रो के अंदर मेरा कीबोर्ड है, और कुछ ज्यादा नहीं है। और दोस्तों, मैं यहाँ पे बैठ के अपना टेक्निकल वीडियो शूट करता हूँ जो कि बैकग्राउंड में पीछे जो दिख रहा है आपको, ये टोटल सब कुछ दिखता है। मैं यहाँ पे हाथ से शूट कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट जो फ्रेम आपको टेक्निकल वीडियो में देखने को मिलता है कुछ यहीं से मिलता है, और इसी चेयर के ऊपर मैं बैठता हूँ। दोस्तों, आज का यही ब्लॉग था, आपको ये मैं अपना सेटअप दिखाने की कोशिश कर रहा था। शायद उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा सेटअप अच्छा लगा होगा जो कि बहुत ही कम खर्च का है, लेकिन मैं यूट्यूब के लिए इसमें पैसा ज़्यादा नहीं खर्च किया हूँ क्योंकि मेरे पहले से जो पीछे आप कंप्यूटर वगैरह सब देख रहे हैं ना, ये सब मैं पहले से मतलब बहुत पहले का है, मैं दुकान ओपन किया था तब का है, तो मैं खास यूट्यूब के लिए सामान परचेज नहीं किया था। तो YouTube में बहुत ही कम खर्चा मेरा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब YouTube के लिए सामान सब रखा हूँ, भला दुकान बंद कर दिया हूँ इसलिए अभी ये सब YouTube के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अभी आप लोगों के दिमाग में और कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज सपोर्ट मी दोस्तों।